हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूंगा शाहरुख खान का बंगला बैंड स्टैंड के सामने है। और फिलहाल इस वक्त मैं बैंड स्टैंड मेरे राइट में है और पीछे आपको रोड दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा शाहरुख खान का बंगला और क्रोश शॉट दिखाऊंगा, गेट दिखाऊंगा और जो मन्नत लिखा है लैंड स्टेप वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हैं मेरे साथ में, आप लोग आइए मन्नत शाहरुख खान के बंगले की तरफ। नथानी चौक को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस चौक के पास में आपको आना है बार बार। दोस्तों, हाँ, मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ, बॉलीवुड की आन बान शान यानी किंग खान, जनाब शाहरुख खान का घर यानी बंगला कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा। मुंबई महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट में 3 किलोमीटर की दूरी पे, दोस्तों ये बैंड स्टैंड के ठीक सामने शाहरुख खान का बंगला है। तो आइए लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौक से राइट साइड में ठीक जो रास्ता निकला दोस्तों, वो ताज लैंड यानी होटल 5 स्टार है यहाँ पे। और ये उससे पहले जो है ये चौक है जहाँ पे नथानी चौक के बारे में मैंने बताया, और उसके ठीक पीछे जनाब शाहरुख खान साहब का बंगला है दोस्तों। और ठीक किंग खान के बंगले के सामने दोस्तों है बैंड स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड की आन बान शान शान शौकत है दोस्तों। बेशुमार हज़ारों शूटिंगें यहाँ पे हुई हैं फिल्मों की, यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जितनी भी लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेज में भी जो पिक्चरें बनती हैं, ये बैंड स्टैंड में बहुत सारी फिल्में हुई हैं दोस्तों। किंग खान का बंगला हो तो उसके सामने कुछ एंटिक चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ एंटिक दोस्तों। फाइनली अब मैं शाहरुख खान यानी किंग खान, बॉलीवुड की जान, उनके बंगले के सामने खड़ा हूँ और अपना व्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने हिंदुस्तान से, किसी भी स्टेट से, हर कोने से। इसके अलावा भी बहुत सारे बाहर के भी लोग आए हुए हैं सिर्फ इसके लिए कि यहाँ पे शाहरुख खान की एक झलक देख लें, उनसे उनके साथ में एक फ़ोटो हो जाए, या फिर उनके बंगले के सामने एक फ़ोटो खिंचा के और अपने गोल्डन मेमोरी जो है अपने एल्बम में कैद कर लें, अपने मोबाइल में कैद कर लें, अपने लैपटॉप में कैद कर लें। तो दोस्तों, ये मैंने मन्नत को जूम करके आपको दिखाया कि शाहरुख खान का बंगला कितना गज़ब का ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये दोस्तों काफ़ी करोड़ों की लागत से बना हुआ है, और वाकई में यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और उसी बीच में कभी शाहरुख खान साहब की फैमिली से या शाहरुख खान से झलक भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर की बताऊंगा, दिखाऊंगा जो शाहरुख खान यानी किंग खान के बंगले के अंदर बनी है, लेफ्ट में, राइट में क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ों का मैं आपको मुआयना कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपका दिल ज़रूर खुश होगा कि आज हमें किसी ने व्लॉग में एक एक चीज़ बताई है, एक एक चीज़ दिखाई है। अभी मैंने फ़िलहाल उनके बंगले को जूम किया और जूम करके मैंने दोस्तों दिखाया, और बहुत ही शानदार आलीशान बना हुआ है। और देखेंगे जब आप लोग, जब कभी मुंबई में आना होगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ है दोस्तों। दोस्तों, बंगले के ठीक राइट साइड में जो जो स्पेस जा रहा है यानी गली आ रही है, ये शाहरुख खान के बंगले के बाजू का हिस्सा है दोस्तों। तो मैंने वो भी आपको दिखाया है कि इनके बंगले में के ठीक बाजू में क्या बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ दोस्तों, हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे, फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो उनके पास जो गली आ रही थी वहाँ से मैंने एक एंगल शूट करके दिखाया है कि शाहरुख खान का बंगला किस तरह का दिखता है, कैसा लगता है। दोस्तों, हज़ारों लोगों का आना जाना रहता है और लोग यहाँ पे शूटिंग भी करते हैं, और ख़ास तौर से शाहरुख खान को देखने के लिए सिर्फ एक झलक पाने के लिए काफ़ी घंटों लोगों की भीड़ लगी रहती है दोस्तों। ये सुबह से लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है, और ख़ास तौर से दोस्तों संडे को यहाँ पे जैसे हुजूम और मेला लगता है शाहरुख खान के बंगले के सामने सामने। और दोस्तों, ठीक शाहरुख खान के बंगले के सामने फुटपाथ, वहाँ पे स्पेस बना है। जी हाँ, मैंने कहा ये कुछ मूवमेंट्स कैद कर लिए जाएँ। ये सिक्योरिटी साहब जो हैं बेहतरीन दोपहर में नींद ले रहे हैं और सो रहे हैं, और दोस्तों झपकी मार रहे हैं। तो मैंने कहा अपने चैनल पे इनको कैद कर लें और जूम करके आप लोग को दिखाऊँ दोस्तों। जनाब शाहरुख खान यानी किंग खान के बंगले से ठीक
कुछ दूरी पे दोस्तों ये एक जेट विमान जो यहाँ पे स्टैंड यानी फिक्स बनाया गया है दोस्तों, देखने में बड़ा गज़ब का लगता है, ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। जब बांद्रा की बात आती है मुंबई शहर के अंदर तो हर चीज़ वहाँ की निराली है, हर चीज़ गज़ब की है, हर चीज़ अपने आप में शान और शौकत रखती है। तो दोस्तों ये शाहरुख खान के बंगले शुरू होने से पहले जेट विमान लगा हुआ है और फिक्स है यानी नाके पे, तो मैंने कहा इसको जूम करके भी दिखाऊं और वो आपको दिखने में सेम ऐसा लगेगा कि वाकई में कोई बड़ी हस्ती रहती है बांद्रा के अंदर, जिसको मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग आपको? दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं जनाब सलमान खान, जो हर दिल चहेते बूढ़े बच्चे और जवान सबके दिलों में राज कर रहे हैं। ये ठीक इनके बंगले के सामने मैंने जूम किया। जी हां, इनके बंगले का नाम है गैलेक्सी। जी हां दोस्तों, ये भी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जो बांद्रा में ही रहते हैं। दोस्तों ये भी बांद्रा स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बैंड स्टैंड के थोड़ा पीछे साइड में रहते हैं और इनका बंगला बड़ा ज़बरदस्त बना है दोस्तों। और कभी भी मुंबई से, महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान से आप लोग कभी आना चाहते हैं तो दोस्तों मुझसे कमेंट्स में बात कीजिए, मैं आपको पूरा एड्रेस बताऊंगा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनके बंगले के वो भी मैं बताऊँगा। तो मैं जूम करके मैंने दिखाया, फ़िलहाल इसके अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सलमान भाई की अभी यहाँ से एग्ज़िट भी होने वाली है दोस्तों, लेकिन वो कितने वक्त में आएंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो फ़िलहाल मेरे पास जितना वक्त था उस हिसाब से मैंने जो है उनके बंगले को शूट किया और शूट करके आपको अपने चैनल के ज़रिए दिखा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर बताऊँगा कि एक चीज़ और इसके नज़दीक में है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ठीक बैक साइड में है महबूब स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान शाहरुख खान के ठीक बंगले के पीछे कौन सा स्टूडियो है? महबूब स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे बेशुमार डेली शूटिंग होती रहती है। तो ये रहा बॉलीवुड के एक बड़े किंग यानी सलमान खान का बंगला। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको? बांद्रा वेस्ट स्टेशन से निकलने के ठीक एसवी रोड पे आने के बाद राइट साइड में एक चौक बना है। जी हाँ दोस्तों, जिसपे लिखा है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन है एक ऐसे फनकार, एक ऐसे गायक, ऐसा सिंगर कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ इनको सलाम करती है और तमाम उम्र तक जब तक ये बॉलीवुड रहेगा तो इनको याद किया जाएगा, इनके गाने को, इनकी आवाज़ को। मैं बात कर रहा हूँ जनाब रफ़ी साहब। जी हाँ, ये एक ऐसे सिंगर थे, एक बेहतरीन सिंगर थे कि इनकी आवाज़ में जादू था। लोग इनके गानों को रियाज करके आज भी गाते हैं और इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो दोस्तों राइट साइड में इसी रोड पे जो है ये रफ़ी चौक बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनाया गया है। इसको मैं हर एंगल से आपको शूट करके दिखाऊंगा और हर एंगल पे क्या क्या चीज़ें बनी हैं, क्या क्या इसका मोनोग्राम बना है, किस तरह से इनको सजाया गया, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और जो चौक के नीचे लिखा है दोस्तों वो भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इस पर लिखा है पद्म श्री मोहम्मद रफ़ी चौक। तो दोस्तों ये बांद्रा स्टेशन यानी वेस्ट में ही है। ये वो हस्ती है जिनके बारे में हमने आपको बताना ज़रूरी समझा कि एक ज़माने में लोग इनकी आवाज़ से अपनी ज़िंदगी चलाते थे, गाने गाते थे और आज भी लोग आते हैं और इनके नक्शे कदम पे इनकी आवाज़ में गाने गाते हैं और अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते थे। दोस्तों वैसे तो सारे रफ़ी साहब के गाने अपने आप में नायाब हैं, बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं, लेकिन इनको सदियों जो है याद किया जाएगा, इनकी बातों को याद रखेंगे लोग। दोस्तों आज मैं आपको बांद्रा बैंड स्टैंड लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखाऊंगा। पहला मैं आपको दिखाऊंगा ताज होटल, वो देखिए सामने ताज होटल सामने दिख रहा है दोस्तों। ये बांद्रा बैंड स्टैंड के पास में ताज होटल है और उसके बाद में मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँगा, एक यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो स्पेशल कॉलेज के बॉयज़ गर्ल्स और कुछ लोग जो मोहब्बत प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, यानी बैंड स्टैंड लवर्स पॉइंट से दिस। ये देखिए ये जो है लवर्स पॉइंट्स है, यहाँ पे अभी मैं आपको अंदर भी ले जाऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ें होंगी और तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं बांद्रा बैंड स्टैंड फोर्ड। वो देखिए फोर्ड, ये आपके पीछे ठीक फोर्ड है ये। तो इसके साथ में दोस्तों मैंने आपको दिखाया बैंड स्टैंड, ताज होटल दिखाया, ताज के बाद अब लॉर्स पॉइंट दिखाया, साथ में फिर आपको मैंने फोर्ट देखा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो यहाँ के रिक्लेमेशन ब्रिज यानी बैंड स्टैंड की बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते देखने, उसको बोलते हैं बांद्रा सीलिंग। दोस्तों ये बांद्रा सीलिंग जो है ये वर्ली पर निकला है और ज़बरदस्त और बेहतरीन बना हुआ है और कभी अगर आप लोग को मुंबई आने का मौका मिलता है तो आप लोग आइए
और आने के बाद इस जगह को देखिए और ये यहाँ का जो मज़ा लीजिए। और सबसे बड़ी खूबी यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे तीन चार चीज़ें मिल जाती है, यानी बैंड स्टैंड, साथ में आपको जो लवर्स पॉइंट, उसके अंदर फिर बोर्ड, बोर्ड के अंदर फिर बैंडा सीलिंग और साथ में ताज, और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त नज़ारा है। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। सलमान खान का बंगला, शाहरुख खान का बंगला और उसके आगे बैंड स्टैंड, और बैंड स्टैंड के लास्ट में जाके दोस्तों ये है ताज लैन होटल, यानी फाइव स्टार होटल है दोस्तों। तो मैंने कहा कि इस होटल के बारे में भी आपको बता दूं और दिखा दूं। दोस्तों ये ताज लैंड फाइव स्टार होटल है और ठीक इसके सामने समंदर है, बैंड स्टैंड है। तो फिलहाल मैं आपको वो एंट्री दिखा रहा हूँ कि ये बैंड स्टैंड के सामने जो ताज लैंड बना हुआ है वो किस तरह से बना है, आगे चलते मेरे साथ साथ। अब ये लास्ट वाले गेट से मैंने आपको कैमरा जूम करके मैंने दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आज शूटिंग है तो मैंने अपने ब्लॉग को भी पूरा सब तरफ से कैद कर लिया, बांद्रा को आज मैंने अपने कैमरे में दोस्तों ले लिया है। यहाँ पे इस ताज लैंड के अंदर भी बेशुमार शूटिंग होती रहती है, फिल्मों की, वेब सीरीज़ की, एड्स की और एल्बम की। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेमिनार, बड़े बड़े फंक्शन भी होते रहते हैं। अब फिलहाल मैंने एंट्री मारी है ये जो अपना ताज होटल के आगे का हिस्सा है ना दोस्तों, जिसको बोलते हैं फोर्ट, यानी लवर्स पॉइंट, और इसी से टच कई चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं एंट्री मार रहा हूं और एंट्री मारने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहां पे जो राइट साइड में जो दुकान बनी हुई है, जहां पे हर वो सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, सिगरेट और बहुत सारे चॉकलेट, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और बहुत सारा ये जो यहाँ पे सजा के रखा है, मैंने आंटी को बोला भी ज़रा मुस्कुरा दो आप, तो वो देखिए हंसते हुए। तो मैंने वो जो राइट साइड में जो कैंटीन बनी हुई है छोटी सी दोस्तों, लेकिन बहुत गज़ब की बनी है, इतना सामान भर दिया है कि यहाँ पर जब आप कभी घूमने आओगे बैंड स्टैंड पर तो आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एंट्री है उसकी किसकी दोस्तों, फोर्ट की, यानी ताज के ठीक सामने दोस्तों। ये ताज लैंड फाइव स्टार होटल के सामने का हिस्सा है जो दोस्तों ये सीधा निकला है, कहाँ पे दोस्तों निकला है, बैंड स्टैंड से होता हुआ सीधा शाहरुख खान के बंगले के सामने से, फिर सलमान के बंगले के सामने और सीधा स्ट्रेट ये बांद्रा स्टेशन, ये रोड पूरा निकला है यहाँ से सीधा सीधा। तो दोस्तों फिलहाल लोग इस वक्त आ रहे हैं, बैंड स्टैंड, जी हाँ दोस्तों बांद्रा आए और बैंड स्टैंड नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में आने का मज़ा ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए पानी की लहरें समुंदर से कैसे तूफान की तरह उठती हुई हाई स्पीड में, और नॉर्मल स्पीड से मैंने उसको। तो दोस्तों ये बैंड स्टैंड के ठीक सामने पत्थर हैं और पत्थरों के बीच में लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, घूमते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, लवर्स भी आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे समंदर किनारे जब वो बैठते हैं तो समंदर की लहरें जब उनके मुंह पे छींटे मारती हैं तो एक गज़ब ही लगता है, एक अजब ही लगता है और मौज आ जाती है, ज़िंदगी का नशा पैमाने पर लबरेज हो जाता है। तो मैंने दोस्तों आज आपको बैंड स्टैंड को भी दिखाया और इतने अच्छी तरह से कैद करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका दिल खुश होगा। एक्चुअली में बैंड स्टैंड पे है कुछ नहीं है, समंदर है, समंदर के साइड में पत्थर रखे हैं बड़े बड़े और कुछ स्पेस ऐसा बना है कि थोड़ा दूर तक आप बैंड स्टैंड के कुछ पानी के बीच में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी हदें महदूद हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मौज मारता हुआ समंदर कैसे आप लोग को बुला रहा है कि कब आप लोग मुंबई शहर में आओगे, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खुशामदीद करते हैं। दोस्तों ये लहरें इस बात की गवाह हैं कि जैसे ये खुश हो के एकदम से तूफ़ानी लहर ऊपर ले रही हैं वैसे ही आपका इस्तकबाल कर रही हैं। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि बांद्रा स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे बैंड स्टैंड बना हुआ है और ये बांद्रा वेस्ट में दोस्तों। तो आप कभी भी अगर दोस्तों आना चाहते हैं तो एक बार जो बैंड स्टैंड भी आइए, यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ की चीज़ों को देखिए दोस्तों, आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। और ये भी एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्लेसमेंट है जहाँ पर बेशुमार फिल्मों की शूटिंग होती रहती है और आज भी यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग है
जो मैं अभी ब्लॉग में उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें अंडरस्टूड रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो सारा पूरा सेटअप लगा हुआ है और ये लेफ्ट साइड में मैंने कैमरा जो पैन किया था वो दोस्तों उसका भी मैं आगे जिक्र करूँगा, वो ब्लॉग भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा अभी जो ये ब्लॉग है वो बांद्रा बैंड स्टैंड। तो दोस्तों आपको बांद्रा बैंड स्टैंड के बारे में आपको बताया और आपको दिखाया और आपको कैसा लगा। तो दोस्तों उसके बाद में मैं कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा मैं पैन कर रहा हूं लेकिन उसका ज़िक्र मैं आगे करूंगा। और यहां पे दोस्तों ये बता देना कि यहां पे डेली फिल्मों की बेशुमार शूटिंग होती रहती है और आप अगर यहां पे अगर बांद्रा बैंड स्टैंड या फोर्ड या आप शूटिंग देखने के लिए आना चाहते हैं तो कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई टिकट नहीं है, फ्री में शूटिंग देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, कुछ लिमिट तक आप वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और कुछ परमिशन का भी यहाँ पे मैटर रहता है। तो दोस्तों ये देखिए फॉरेनर लोग आ रहे हैं, इंडियन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मैं कहाँ पे आया हूँ वो चीज़ भी मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये मैं अभी ऊपर टॉप से मैं एक एंगल मैंने लिया दोस्तों, दोस्तों ये एल शेप में जो देख रहे हैं ये है ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बांद्रा वेस्ट में 3.5 किलोमीटर की दूरी रेक्लेमेशन पे इस ब्रिज को बोलते हैं वर्ली सीलिंग ब्रिज। दोस्तों ये बांद्रा रेक्लेमेशन पे ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से दोस्तों 7 से 7.5 मिनट में बांद्रा से आप वर्ली जा सकते हैं। ये ब्रिज ऐसा गज़ब का ज़बरदस्त बना हुआ है और इसकी शान और शौकत दिखाते हैं। दोस्तों एक्चुअली में ये बांद्रा से वर्ली जाने का एक लिंक है 7 से 7.5 मिनट में। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और आपको बताएंगे, यहाँ पे 2-व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली 4-व्हीलर। तो दोस्तों ये देखो मैंने जूम करके दिखाया टॉप से किस टेक्निक से इंजीनियर ने इसको ब्रिज बनाया हुआ है और वायर केबल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। और ये पानी पे दोस्तों ब्रिज बना हुआ है और ये ब्रिज की आज की तारीख में एल्बम में और फिल्मों की शूटिंग बेशुमार हो रही है। दोस्तों इस वक्त मैंने ऊपर से टॉप से शॉट लिया है, पूरे ब्रिज को मैंने दिखाया और दोस्तों नीचे शूटिंग चालू है। ये देखिए ट्रॉली खींची जा रही है और शॉट चालू, आर्टिस्ट जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेक्लेमेशन पे इस ब्रिज को सजेशन में रख के बेहिसाब फिल्मों की शूटिंग हो रही है। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर भी आप शूटिंग फ्री में देख सकते, कोई रोकने वाला नहीं आपको। हाँ दोस्तों, एक ख़ूबी और है यहाँ की जो मैं आपको बता दूँ, जो ये रिक्लेमेशन जो ब्रिज है तो ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक स्ट्रेट में बना हुआ है। जब कभी भी अगर आपको आना है यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे भी आप रिक्लेमेशन पे आइए। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो रिक्लेमेशन इतना गज़ब का खूबसूरत, इतना चौड़ा बना हुआ है, उसके साथ में उसी से टच ये जो वर्ली सीलिंग जो ब्रिज है ये वहीं से जाता है। तो दोस्तों एक साथ आपको वर्ली सीलिंग ब्रिज देखने का मौका मिल जाएगा, दूसरा ये जो रिक्लेमेशन का नज़ारा रहता है वो तो आप जब वहाँ पे आएंगे तो आप वाकई में बोलेंगे कि अगर मुंबई में अगर आए और रिक्लेमेशन पे नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं, मज़ा ही नहीं। तो दोस्तों वहाँ पे एक अलग ही गज़ब लगेगा क्योंकि वहाँ पे भी शूटिंग रहती है, यानी जिस वक्त आप एंट्री मारेंगे तो आपको 2 से 3 शूटिंग हर तरफ कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी और कोई भी आपको वहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है, फ्री में फैमिली के साथ दोस्तों के साथ शूटिंग देख सकते हैं। दोस्तों अब ये जो ब्लॉग है ये मैं दिखा रहा हूँ बांद्रा फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये ताज और बैंड स्टैंड के ठीक कॉर्नर पे लास्ट एंड में बिल्कुल बना है बांद्रा फोर्ट। दोस्तों ये किला टाइप का है और ये किला कैसा बना हुआ है इसको हम आपको पूरा घुमाएंगे, दिखाएंगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या बची हैं और क्या लोग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है भाई, कुछ रास की भी बातें हैं, रास की चीज़ें हैं, वो सब मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ सीढ़ियों से आपको ऊपर लेके और ये मैं टॉप पे आया हूँ छत पे और आपको यहाँ से मैं नज़ारा दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जब नज़ारा दिखाएंगे तो आपको नीचे शूटिंग होती हुई दिखाई देगी, उसके सामने समुंदर दिखाई देगा और समुंदर के आसपास सैकड़ों लोग और शूटिंग का सारा वो मटेरियल फैला हुआ जो यहाँ पे आज शूटिंग मौजूदा हालात में हो रही है। तो दोस्तों ये नीचे से मैंने दिखाया, ये फोर्ट की दीवार है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लॉक्स बने थे टूट गए। फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने लायक हैं और देख के आपको मज़ा आएगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहता हूँ कि ये दोस्तों एक्चुअली में ज़्यादातर यहाँ पे फाइट सीन इस फोर्ट पे होते हैं, एक्शन सीन होते हैं, कुछ
हॉरर टाइप के भी और कुछ डेंजरस जब सीन लेने होते हैं और वहाँ एंट्रियाँ दिखानी होती हैं तो ये बांद्रा फोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोकेशन एक ऐसी है कि मुंबई शहर में अपने आप में एक ही है। तो दोस्तों ये फ़िलहाल कुछ हिस्सा इसका टूट गया है, कुछ सही है, कुछ बना हुआ है। और हाँ दोस्तों बताएंगे, इसकी जो दीवारें दोस्तों बनी है वो दीवारें एक एक मीटर चौड़ी हैं दोस्तों, एक एक मीटर चौड़ी, यानी दोस्तों 36 इंच से भी ज़्यादा लंबी इसकी दीवारें हैं और सब इतनी मजबूत बनी हुई हैं। जो मैं आपको ये एंट्री दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फोर्ट की, ये फोर्ट का एंट्री है दोस्तों। और इसी के पास में देखो रिक्लेमेशन ब्रिज है दोस्तों, वो भी देखो साथ में वो सीलिंग ब्रिज भी दिख रहा है दोस्तों। तो ये यहाँ से एंट्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी बेशुमार फिल्में यहाँ पे हो चुकी हैं, एड फिल्म बन चुकी है, वेब सीरीज़ बनती रहती है और मौजूदा हालात में एल्बम वगैरह भी। और जब यहाँ पे शूट करते हैं तो जब निकल के आता है कैमरे में तो कुछ हट के ही दिखता है दोस्तों। तो इस वक्त दोस्तों मैं फोर्ट के अंदर हूँ और ठीक धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी बनी है, काफ़ी मोटी मोटी बनी है और ये सब ब्रिटिश टाइम की है, यानी दोस्तों ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। इसके वजह से जो है आज भी इसकी मेकिंग जो है देखो तो ऐसा लगता है कि अभी तरोताज़ा, और मजबूती इतनी है दोस्तों कि ये आज भी अपने आप में जो खड़ी हुई है और आपको आवाज़ दे रही कि आइए और हमारी मिसाल को, हमारी खूबसूरती को, हमारी मजबूती को देखिए, ये लोगों को निहारती है, बुलाती है और ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाती है कि लोग यहाँ पे आते हैं, अपने नाम लिखते हैं, लवर्स लोग आते हैं, एक दूसरे का नाम लिखते हैं, मोहब्बत की निशानियाँ छोड़ के जाते हैं यहाँ। दोस्तों दिखने में तो सब आपको ये दीवारें ही नज़र आएंगी, सीढ़ी नज़र आएगी और ऊपर टेरेस नज़र आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे दोस्तों तो वाकई में मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक लवर्स पॉइंट के साथ साथ में जो एक यादें भी इसके साथ में जुड़ी हुई हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये फोर्ट के टॉप एंगल पे जाके मैंने शॉट लिया दोस्तों, जहाँ पे नीचे गाड़ी पार्किंग है, वैन खड़ी हुई है। और दोस्तों ये ग्रे कलर का है दोस्तों, इसको बोलते हैं मोबाइल टॉयलेट शॉप दोस्तों। अभी इसको भी मैं आपको नीचे अपने व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने टॉप से शॉट लिया और ऊपर का सारा हिस्सा मैं आपको दोस्तों दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अभी और क्या क्या चीज़। और ये जनरेटर है दोस्तों जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए आया है। शुक्रिया। दोस्तों इसी बैंड स्टैंड के अंदर ही गार्डन वगैरह है, पेड़ पौधे, फ्लावर हैं। जी हाँ, जब चारों तरफ हरियाली दिख रही है, खूबसूरती दिख रही है, इसको बोलते हैं बैंड स्टैंड लवर्स पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ऊपर लोग आते हैं अपने शॉर्ट मूवी, शॉर्ट क्लिप, वीडियो, रील्स और शूटिंग भी दोस्तों यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर भी दोस्तों कभी अगर आप आएँगे तो आपको शूटिंग देखने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि फ्री में देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है और बेशुमार मज़ा आएगा। ये फोर्ट यानी बैंड स्टैंड के आगे जाके जब से ही आप एंट्री मारेंगे तो लास्ट में दोस्तों ताज के बाद ये गेट के अंदर लेफ्ट साइड में ही लवर्स पॉइंट बना है, यानी फोर्ट और लवर्स पॉइंट यानी उसकी एक ही एंट्री है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्त लोग कॉलेज के गर्ल्स बॉयज़ और भी मैन वुमेन लोग भी आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, कुछ यादें तरोताज़ा करते हैं, कुछ मोहब्बत की कहानियाँ लिखते हैं, कुछ दास्तान लिखते हैं, कुछ अपना नाम लिखते हैं, कुछ अपनी निशानियाँ लिखते हैं और एक दूसरे से वादे करते हैं और इरादे करते हैं। ये कहानी बनती रहती है, शूटिंग में शूटिंग का मज़ा लेते हैं। दोस्तों फाइनली अभी ये वो दिखा रहे हैं जो लवर्स पॉइंट के अंदर जा रहे हैं,
और कुछ लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने अभी कैमरा भी इनकी तरफ किया, शर्माते हुए खुश होकर हंसते हुए यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैठते हैं, गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे बेंच वगैरह भी बनी हुई है दोस्तों, लगी हुई है, और इसके अंदर काफ़ी वक्त अपना स्पेंड करते हैं। जिसके पास जितना वक्त उतना यहाँ पे मज़ा। तो दोस्तों, है तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, लेकिन हर चीज़ का अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा, सही काम होगा, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। क्योंकि ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा प्यार भी कभी कभी नुकसान कर जाता है, लेकिन प्यार करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी लिमिट यानी टॉक टाइम है। तो दोस्तों, ये मैंने अभी आपको जो नज़ारा दिखाया तो लवर्स पॉइंट का, और लवर्स पॉइंट के अंदर किस तरह से ग्रीनरी है वो भी मैंने दिखाई, और अंदर का स्पेस कैसा बना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी वक्त गुजारते हैं, और बहुत अच्छा लोगों लगता है। देखिए, कुछ लोग बैठे भी हैं। मैं कैमरा चारों तरफ दोस्तों पैन कर रहा हूँ, पैन करके मैं दिखा रहा हूँ। अब एक हर चीज़ की लिमिट रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक तक नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ मान मर्यादा है, लोगों की इज्जत ढकना और रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, और कुछ ये लवर्स पॉइंट की सीढ़ियाँ दोस्तों हैं, जो टॉप पे जाती हैं। ऊपर एक छत बनी हुई है जहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, साइड में, कोने में, और ऊपर से पूरा नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने टॉप से अभी मैं एंगल रख के दिखाया जहाँ पे मैं आज इस फिल्म एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिसका मैं अपने चैनल पे फ़िलहाल नाम तो नहीं ले सकता हूँ, आगे आपको फिर मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे शूटिंग का पूरा टॉप से मैंने शॉट लिया, आपको दिखाया, और ये लवर्स पॉइंट का आज का ब्लॉग कैसा लगा देखते रहिए। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, किस तरह का लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये ग्रे कलर की टॉप से मैंने भी जो शॉट दिखाया था, जी हाँ, इसको दोस्तों बोलते हैं मोबाइल वैनिटी टॉयलेट। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैवलिंग रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, नई चीज़ के साथ मिलेंगे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, पड़ोसी का ख्याल रखिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए, मोहब्बत के साथ में रहिए। मोहब्बत से पूरी दुनिया जीती जा सकती है दोस्तों। और आगे कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, नयापन लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। जी हाँ, मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।